हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैक्सवर। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे गाइस। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ रेसिपी की। तो इंग्रेडिएंट देखकर आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं दही भिंडी की टेस्टी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना। सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छे से धो लिया था और बहुत ही ताजे और नरम नरम भिंडी मैं मार्केट से लाई थी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब मैंने इसको इस साइज़ में कुछ काट लिया है। ठीक है, सारे भिंडी को इस साइज़ में थोड़ा सा काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक या पतले पतले नहीं काटने हैं। इसमें मैंने कट्स लगा दिए हैं, ऐसे स्लिट्स देख रही होंगी आपको सारे भिंडी में। तो इसी तरह से मैंने सारे पीसेस में इस तरह का कट लगा दिया है। इससे क्या है कि सारे मसालों की और दही का जो फ्लेवर होता है वो भिंडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो अब सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसका मसाला, इसका दही वाला मसाला। इसके लिए मैंने ले लिया है दही और खट्टी दही ली है। तो सबसे पहले इस दही में हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब इसे रख देते हैं साइड। अब हम ले लेंगे कढ़ाई और गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई को होने देंगे गरम। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है हमें। तो ऑयल अच्छे से गरम हो गया है तो अभी हम इसमें जीरा नहीं डालेंगे, अभी हम सिर्फ इसमें भिंडी डालेंगे क्योंकि भिंडी को हमें अच्छे से फ्राई करना है, सॉटे करना है। तो 5-6 मिनट तक फ्राई करने के बाद भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और एक अच्छा सा ब्राउन शेड आ गया है भिंडी पे। तो भिंडी हमारी फ्राई होके रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हींग। हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। इसके बाद इसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें प्याज डालेंगे। प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज हमारे हाफ भून गए हैं, तो हाफ भूनने के बाद ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। फिर मिक्स करेंगे और प्याज को थोड़ा और ब्राउन होने देंगे। इसी के साथ हल्दी पाउडर भी भून जाएगी। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हम गैस को कर देंगे बंद क्योंकि हमें इसे ठंडा करना है। इसे ठंडा होने के बाद ही हम दही वाला पेस्ट डालेंगे। अगर हम गर्म में ही ये दही का पेस्ट डालेंगे तो दही फट जाएगी। तो देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे दही का पेस्ट जो हमने बनाया था। सारा का सारा पेस्ट हमने डाल दिया है, इन्हें मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें। अब हम गैस को ऑन कर देंगे, लेकिन हम गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे, सबसे ज़्यादा लो फ्लेम पे, और इसे धीरे धीरे पकने देंगे। और हम इसे तब तक पकने देंगे जब तक ये अच्छे से ऑयल रिलीज ना करने लगे। तो ये अच्छे से पक चुका है और ऑयल रिलीज होने लगा है, आप देख सकते हैं। और दही बिल्कुल भी फटी नहीं है, तो ये अब अच्छे से पक चुका है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे भिंडी। सारी भिंडी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसी दही वाले कटोरे में 1 कप पानी लिया है, ज़्यादा नहीं, और इस पानी को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे अब 8 से 10 मिनट तक ढक के पका लेंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। थोड़ा सा पकने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और इसे पका लेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट और पकाने के बाद अच्छे से सारा पानी सूख गया है और सारे मसाले दही अच्छे से भिंडी में इनग्रॉस्ड हो गए हैं। तो अब इसी के साथ हम इसमें धनिया डालेंगे और हमारी मसाला भिंडी, या यू कह लो दही भिंडी, रेडी है बनके। ओके, अब चलिए इसे सर्व करते हैं।
मैंने थाली लगा ली है मेरे हस्बैंड के लिए। कैसी लगी आपको मेरी मसाला भिंडी रेसिपी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी कुकिंग और हॉल से रिलेटेड। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।